हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारी कंपनी के द्वारा ये जो नया लॉन्च किया गया है PTZ, इसको मिनी PTZ बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इसमें पैन होगा और टिल्ट होगा, ठीक है, जूम नहीं होगा इसमें। और ये वाईफाई PTZ है, इसका जो एडवांस फीचर्स के साथ आया है, आप इसको आउटडोर भी लगा सकते हैं सेट के साथ। ठीक है, तो ये आपका मॉडल है। अभी ये जो मॉडल आप देख रहे हैं CP-Z41A, ये भी मॉडल है। और ये जो आपका है एग्जैक्ट आपका सीरियल नंबर वगैरह सारा कुछ इसमें मेंशन है, आप ये मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये आपका यहाँ पे फीचर्स भी लिखा हुआ है, ये 4 मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है, क्वाड HD वीडियो आपका है, 8.265 कंप्रेशन है आपका, ह्यूमन डिटेक्शन को आपको ट्रैक करेगा ये, ठीक है, रियल टाइम अलर्ट्स भी आपको देगा, प्राइवेसी बोर्ड भी आपका, स्मार्ट मोशन ट्रैकिंग है। ये तो आपका जो मेन फीचर्स है हाईलाइट दिया हुआ है, और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो मैं आपको जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, तब मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। ये आपका डब्बे पे भी आपका QR कोड दिया हुआ है, आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम आपका EasyCam+ है, ठीक है, और ऐसा आपका ये आपका लुक आपको आएगा टोटल ओवरऑल। ठीक है, ये आपका गूगल और एलेक्सा दोनों पर भी आप इसको मर्ज कर करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये आपका मैं मॉडल ओपन करने जा रहा हूँ, इसका क्या क्या इसके अंदर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले ये आपका मैनुअल है, ऑपरेशन गाइड है आपका, ये का आपका वाईफाई एंटीना है आपका, और ये आपका आपका कैमरा है जैसा कि मैंने बताया आपको। इसके अलावा ये USB अडाप्टर से भी आप यूज़ कर सकते हैं, अडाप्टर इसके साथ दिया हुआ है आपका ये, ठीक है, और ये आपका एक छोटा सा इसमें स्क्रू भी रहेगा आपका, आपको माउंटिंग करने के लिए इस तरह से आपको माउंट करना है आपको, ये दीवार आपका ऐसे रहेगा तो आपको ये माउंटिंग, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, जैसे ही माउंट करना है कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका पावर देने जा रहा हूँ और इसको कैसे इसको ओपन करना है, कैसे इसको यूज़ करना है वो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये आपका पावर है, ये आपका वाईफाई है, एक इसमें एडिशनल फीचर्स दिया हुआ आपका ये लैन पोर्ट का, ये आपका लैन पोर्ट जो दिया हुआ है आपका, इन केस अगर आपका वाईफाई का डिस्टेंस अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, नहीं अगर कनेक्ट हो पा रहा है तो आप फिर इसमें लैन पोर्ट के मदद से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, पावर के लिए आपको जैसा मैंने बताया अडाप्टर दिया हुआ है, वहाँ पे एक सॉकेट बनाना पड़ेगा आपको, तो फिर आप 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर अपने सुविधा अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं, और वाईफाई को आप इसको PTZ, लेकिन याद रखिए जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको कि आपको इसको पानी से बचाने के लिए आपको थोड़ा शेड बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ओपन एरिया में माउंट कर देंगे, क्योंकि इसमें माइक भी है, कैमरा भी है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका इधर देखिए, ये जो देख रहे हैं ये आपका स्पीकर लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको पानी जाने का डर है, तो फिर आपका ये सर्विस सेंटर में जब जाइएगा तो बोलेगा कि इसका वारंटी वॉइड हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पानी से इसको हल्का सा बचाना है आपको। वैसे ये ओवरऑल जो है सो कि आपको ये खुद ब खुद ऐसा बॉडी बनाया हुआ है कि ये पानी रेजिस्टिव है, लेकिन जहाँ जहाँ इसका होल है वहाँ वहाँ आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, मतलब कैनोपी आपको लगा के चलना है आपको। ठीक है, अब हम आते हैं इसको ऑन करते हैं, अभी ये प्रोटेक्टिव फिल्म लगा हुआ है, अभी मैं इसको हटाया नहीं हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको सिर्फ पावर देता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल इसको, हमारे पास ये DVR लगा हुआ है तो मैं उसी से पावर दे रहा हूँ, अडाप्टर है तो आप अडाप्टर से भी पावर दे सकते हैं। अभी मैंने इसको पावर दे दिया है, ठीक है, इसको हम वेट करेंगे, ये खुद ब खुद आपका ये चलना शुरू हो गया आपका, बहुत ही कम वोल्ट लेता है, 5 वोल्ट का इसका जो है कि आपका अडाप्टर दिया हुआ है तो बहुत कम है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसका एप्लीकेशन कौन कौन सा है, तो एप्लीकेशन इसका है EasyCam खुद ब खुद, जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता रहा था कि वो आपको वाईफाई जब इसको पावर देंगे, जब ऑन हो जाएगा ये वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन करेगा, आप अपने फ़ोन में जो भी नेटवर्क है सेम नेटवर्क रखेंगे, जो वाईफाई का है आपका फ़ोन भी वही नेटवर्क में रहेगा, और ये आपका फ़ोन ही आपको एज ए हॉटस्पॉट बन करके उसको इंटरनेट देगा आपके डिवाइसेस को। ठीक है, अब हम वापस इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका ये है EasyCam+ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको इंटरफेस ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपको प्लस के सिंबल पे जाना है, प्लस के सिंबल पे जाने के बाद जो आपका मॉडल है वो सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर QR कोड है, EZ मोड है, केबल है। ठीक है, अभी हम QR कोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीका से जब आप करेंगे, यहाँ QR कोड सिलेक्शन है, नेक्स्ट करेंगे, वाईफाई का पासवर्ड यहाँ डालेंगे हम। ठीक है,
तब आपको इस कंडीशन में आपको रखना पड़ेगा। तो अभी ये जो वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन बोल रहा है, ये वाईफाई कनेक्टिंग बोलेगा, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, 1122 ये मैंने इसका पासवर्ड डाला और इसको इस तरीका से रखना है आपको, इतना डिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज वेट बोल रहा है आपका, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। वाईफाई कनेक्शन सक्सेस जब बोल दिया है, ये आपको हार्ड प्रॉम्प्ट है, इसको यूज करना है और इस पे ये जब ये मोटर चलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अब आप इसको डन करेंगे और आपका स्ट्रीमिंग जो है आपका ये लाइव हो गया। अब आपको यूज करना है आपको अपने हिसाब से, तो ये बड़ा भी हो गया आपको इधर से, और आप इस तरह से घुमा सकते हैं अप्स एंड डाउन्स आपके हिसाब से, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि याद रखिएगा कि अगर आपने इसमें मोबाइल में ऐड किया और जाने अनजाने में ये कैमरा आपने किसी और पे दे दिया, आपके मोबाइल में एज इट इज़ ऐड रह गया, ठीक है, दूसरे के मोबाइल में नहीं चलेगा जब तक कि आप इसको क्लिक कर करके और आप यहाँ से तीन लाइन जो दिखा आपको वहाँ पे करने के बाद यहाँ रिमूव डिवाइस नहीं कीजिएगा, तब तक उसके मोबाइल में नहीं चलेगा, ये रिसेट होगा। ये होम के लिए बनाया गया है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी बहुत एडवांस फीचर चला हुआ है कि आपके डिवाइस को कितने लोगों ने शेयर कर रखा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे मैंने अभी फर्स्ट टाइम यूज किया है, तो वो आपका एडमिन जैसे बिहेव करेगा आपका ये आपका मोबाइल। अब आपको दूसरे मोबाइल में आपको ऐड करना है, पहले मैं दूसरा प्रोसेस बता देता हूँ। ये आपका Z41 है, ये QR कोड पे फिर जाना है आपको, मैंने QR कोड करके दिखाया। अब EZ मोड पे क्लिक करके जाऊँगा, यहाँ नेक्स्ट करूँगा और ये आपका नेक्स्ट का ऑप्शन है। ये पासवर्ड डाला, ये नेटवर्क है आपका, ये चल रहा है। अभी मैं इसको ये जो लास्ट टाइम ये किया था हमने, वो QR कोड नहीं है, ये QR कोड स्कैन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, दूसरा तरीका है, ये सक्सेस बोल दिया। अब ये खुद ब खुद मीटर चलना शुरू हो गया है और ये दो मुश्किल से कुछ सेकंड्स में जो है कि आपका डिस्प्ले के ऊपर होगा। जितना बार आप नेटवर्क चेंज करेंगे, कैमरे के नीचे ही आपका रिसेट बटन दिया हुआ है, ये देखिए रिसेट बटन, और यहाँ पर ही SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, 128 GB आपका ये SD कार्ड लगता है इसमें, देखिए ये बटन दिया हुआ है और ये आपका SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि ये कैमरा रिकॉर्ड डायरेक्ट करेगा आपका, सब कुछ मोबाइल से ही होगा, प्लेबैक वगैरह सब कुछ देखना है, वो सब कुछ प्लेबैक आपका इसी से होगा। तो ये हमने अभी इसको कैमरे को ऐड कर दिया, अब हम इसको आपका ये कैमरा आपका चलने लगा, ठीक है, अप एंड डाउन कर लीजिए आपके हिसाब से ही चलने लगेगा। एक आखिरी तरीका है लैन पोर्ट, ठीक है, सिमिलरली इसको फिर से हटाएंगे और जब आप करेंगे इसको, जैसे मैंने बताया था आपको, QR कोड पे जाने के बाद केबल मोड सिलेक्शन कीजिएगा और सेम कीजिएगा, सेम प्रोसेस से आपको ऐड करने का। अब इसका हम आ जाते हैं ये प्रोटेक्टिव फिल, अभी ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसी कैमरा पे हमने हमारा चल गया, आप किसी और मोबाइल पे हमें चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस मोबाइल पे आपको पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा EZCAM+, उसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ तीन जो लाइनें दिख रहे हैं बैटरी के सिंबल के नीचे, उसको आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए शेयर डिवाइस पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको ऐड शेयरिंग पर जाना है। ऐड शेयरिंग पे जाने के बाद जो जिस अकाउंट का उसका एप्लीकेशन होगा, मेल आईडी का होगा या नंबर होगा, आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर रीजन आपका इंडिया होगा, अकाउंट यहाँ जब डालेंगे तो ये जो आपका डन का जो सिंबल दिख रहा है वो आपको हाईलाइट हो जाएगा और जब डन करेंगे बस उसके मोबाइल पे ऐड होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो आपके मोबाइल आपके पास हो या किसी भी जो है सो कि या सिटी से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका वो ऑटोमेटिक वहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप 4-5 को लोगों को शेयर करेंगे, डिपेंड करेगा आपका नेटवर्क,
अगर नेटवर्क आपका स्ट्रांग है, आपका इजली वे में 4-5 लोग हैंडल कर सकता है, ठीक है। जैसा ये बहुत सारे अकाउंट हैं, अगर मैं इसको सिलेक्शन करूँगा, ये देखिए सक्सेसफुली शेयर्ड लिखा गया, ये ऑलरेडी शेयर्ड हो गया ये, ठीक है। अब आपको हटाना है तो फिर वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे और अनशेयर करेंगे, कन्फर्म अनशेयर हो गया, ठीक है। ये तरीका है, जैसा मैंने बताया था आपको, इसमें बहुत सारा फंक्शंस दिया हुआ है आपका, ठीक है। आईएन नाइट विजन ऑटो है, डिस्प्ले का सेटिंग्स कैसा होना चाहिए, ब्राइटनेस वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। शार्पनेस वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन नोटिफिकेशन, जैसे ही इंटरनेट अगर इसका अगर आपका बंद हो गया तो आपको चाहिए नोटिफिकेशन, कन्फर्म करेंगे, जैसे ही हम नेटवर्क डिसकनेक्ट करेंगे आपके पास तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यह है प्राइवेट मोड, जैसे ये प्राइवेट मोड करेंगे तो कैमरा आपका बंद हो जाएगा, स्लीप मोड में कैमरा आपका चला जाएगा, आपको रिकॉर्ड नहीं करेगा ये, ठीक है। अब हम आते हैं इसका, ये देखिए बेसिक फंक्शंस यहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका प्लेबैक है, यहाँ से आप जब आपका प्लेबैक रहेगा तो आप बात यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब एसडी कार्ड में लगाया नहीं है तो यहाँ पे करेंगे तो प्लेबैक आपका आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका ये है आपका गैलरी, ठीक है। जितना भी आपका फोटोज़ वगैरह है आप इस पर आप देख सकते हैं। थीम बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ब्लैक चाहिए कि वाइट चाहिए, आप डार्क मोड, जैसे मैं डार्क मोड क्लिक करूँगा तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से अपने हिसाब से आप लाइट मैंने किया है। ये प्राइवेट मोड है, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये कैमरा स्लीप मोड में चला गया आपका, ठीक है। टर्न ऑफ कैमरा, मान लीजिए घर वगैरह पर लगाए हैं, सेंसिटिव कुछ है तो आप उस समय क्लिक आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, इसको कैमरा वापस आ गया। ये आपका नाइट मोड में है, ठीक है कैमरा। अब ये मोशन ट्रैकिंग है कि जब भी ये कुछ कैमरे के सामने मोशन होगा तो उसको ट्रैक करेगा ये। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, देखिए मेरी तरफ किया, ये देखिए। अब इसको ये देखिए, हाथ इसको इस तरह से करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीका से आपका जो है इसे ये आपका हाथ वगैरह भी आ जाएगा, ये देखिए ऑटो ट्रैकिंग। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मोशन ट्रैकिंग का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कैमरे के सामने आ चाहिए मोशन, तो ये आपको अलर्ट देगा, ठीक है। ये देखिए मोशन डिटेक्शन, ठीक है। कहाँ इसको दिखेगा आपको, तो ये देखिए मैसेजेस में, देखिए मोशन डिटेक्शन, ये मेरा फ़ोटोज़ भी ले लिया, ये देखिए मेरा फ़ोटोज़ आ गया। तो इस तरीके से आपको मोशन भी मिलेगा, ठीक है। टू बी कम्युनिकेशन करना है, किसी चीज़ को कमांड देना है आपको, वहीं पर से जहाँ से भी आप हैं, कैमरा कहीं और लोकेशन पे लगा हुआ है, आपको बोलना है या कुछ नहीं है, सिंपल जो आप ये जो देख रहे हैं ये माइक का सिंबल, अगर आप इसको क्लिक करेंगे, ये स्पीकर का सिंबल है, ये आपका आ जाएगा। अभी ये आवाज़ इसलिए गंदा आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल पास में है, जब आप रिमोट लोकेशन से बात करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ आता है। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको होल्ड रहा, ये देखिए अगर मैं कुछ यहाँ पे बोलूँगा तो स्पीकर के ऊपर सुनाई देगा, ठीक है। हेलो हेलो, देखिए इसको पकड़ के बोलना है तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका है कम्युनिकेशन करने का तरीका, कुछ भी बोलना है पकड़ के इसको प्रेस कीजिए और जो भी बोलिए हेलो छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। आप यहाँ से HD या SD आप बना सकते हैं, अगर HD थोड़ा सा करेंगे थोड़ा सा आपको हैजी पिक्चर दिखेगा, अगर HD करेंगे यहाँ से तो आपको HD दिखेगा आपको, ठीक है। ये क्या है आपको देख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा हो गया आपका। तो ये था आपका ओवरऑल, इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है एडिट का ऑप्शन, अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं कैमरे का, थीम वगैरह, बटन मैनेजमेंट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। बिल्कुल हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कोशिश कीजिए शेयर करने के लिए, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि ये नया PTZ आया है, आपका ये जो एंटीना है थोड़ा लॉन्ग रेंज बढ़ाने के लिए, आप इसको हिसाब से अपने हिसाब से इस तरह से आप इसको माउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका माउंट होकर के इस तरह से आपको लग जाएगा ये आपका।